अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज रायविंड में हूँ, लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद मियाँ साहब ने एक इंटरव्यू दी है। मैं इंटरव्यू से पहले सोच रहा था कि मियाँ साहब बहुत मोहतात होते जा रहे हैं, स्टेट्समैन जैसे बनते जा रहे हैं वैसे मोहतात होते जा रहे हैं, और वो पुरानी जब खरी खरी बातें करते थे वो अब कम करनी शुरू कर दी। तो मैंने अपनी अहलिया से घर में ये बात जिक्र की, मैंने कहा अब कैसे इनसे आज खरी खरी बातें करवाई जाए। तो उन्होंने कहा मैं भी सहाफ़ी हूँ तो मुझे साथ ले चलो। तो हमने सोचा कि ज़रा ये सरप्राइज़ करते हैं मियाँ साहब पे, तो हम दोनों यहाँ आ गए। और आज हमारा इरादा ये है कि मियाँ साहब को क्रिकेट का बड़ा शौक़ है, तो ये बैटिंग करें, मैं बॉलिंग कराऊंगा, और जुगनू मोहसिन मेरी अहलिया जो है उनको हम न्यूट्रल अंपायर के तौर पे खड़ा कर देंगे, मगर उनको इजाज़त देंगे कि वो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लें। क्यों मियाँ साहब, मंजूर है हमारी टर्म्स? बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन जो आप मुझे अभी ये कह रहे हैं कि खरी खरी बातें पहले करते थे, मेरा ख्याल है कि मैं तो खरी खरी बातें अब ज़्यादा करता हूँ। पहले तो मैं इतनी शायद खरी खरी बातें नहीं किया करता था, या करना चाहता भी था तो ज़रा मसलियतों का शिकार हो जाता था, लेकिन अब मसलियत का शिकार होना जो है मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना हमारे यहाँ निज़ाम के लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है, ना मुआशरे के लिए अच्छा है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि हर एक को चाहिए कि पाकिस्तान को 60 साल देखते हुए हमें गुजर गए हैं, तो अब भी अगर खरी खरी बातें ना की और सच्चाई वाली बातें ना की, या हमने साफ साफ दिल खोल के बातें ना की, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। ज़रा इनसे कहें कि ये ज़रा इब्तदा करें। ज़रूर, बड़े शौक़ से। लेकिन आपने कहा ना कि आप बॉलर बनेंगे और मैं बैट्समैन बनूंगा, ज़रा देखिए कहीं बाउंसर ना करवा देना। नहीं तो, वो आप पे करना, नहीं तो स्क्वायर लेग पे जाएगा। आपकी पैदाइश लाहौर के पुराने शहर में हुई और पाकिस्तान के चंद साल बनने के बाद हुई, और आप अपने वालदैन के शायद पहली औलाद थे। और उस दिन जिस दिन हमारी आपस में बैठ के बात हो रही थी, नजम भी अपनी वालदा वालिद के पहली औलाद हैं, और एज अ वुमन, औरत होने के हवाले से मैं समझती हूँ कि जो पहला बेटा होता है, मेरा अपना भी पहला बेटा है, उसको माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बाकी जो होते हैं बच्चे उसके बाद, वो थोड़े से उस चीज़ को महसूस करते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो आप बताइए कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि अब भी होता है। मेरी वालदा साहबा जो है अब भी मुझे उसी तरह से प्यार करती हैं, और हालांकि वो भी माशाल्लाह उम्र रसीदा हैं, लेकिन मैं इसे अपना फ़र्ज समझता हूँ कि जब भी मैं लाहौर में हूँ तो मैं रात को उनके साथ कम से कम 2 घंटे ज़रूर गुजारूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के तो मैं डेली उनके पास जाऊँ और बैठूँ उनके साथ, और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा है। तो जब मैं जाता हूँ तो मुझे अभी भी इसी तरह चूमती हैं, प्यार करती हैं, मेरा माथा चूमती हैं, और फिर दुआएं बहुत देती हैं साथ। बल्कि ये देख रहा हूँ कि ये सिलसिला वक्त के साथ साथ और बढ़ गया है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि खुशनसीबी है हमारी कि वालदा अभी ज़िंदा हैं, सलामत हैं, और हमें उनकी थोड़ी बहुत खिदमत का मौका मिलता है। तो वालिद साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे कम ही याद पड़ता है कि उन्होंने मुझे कभी डांटा हो। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ को बहुत डांट पड़ता है। रात के 2 बजे उन्होंने उठना है, तहज्जुद पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ना है तर्जुमे के साथ, पूरे घर में उनकी आवाज़ गूंजती थी, और वो कुरान पढ़ने की और तर्जुमे के साथ। उसके बाद फिर उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज से पहले वो शहर में हम रहते थे, लाहौर शहर का तो एक अपना हुस्न है, बिल्कुल, और लाहौर शहर तो एक मुनफरिद शहर है पूरे बरे सगीर में, मैं समझता हूँ कि जिसको कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही पसंद नहीं करते बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। बहुत उनको इश्क है लाहौर से जी, खासतौर पर जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो तो सारे जिला वतन होके यहाँ से आए हुए हैं,
और एक रोमांस है लाहौर के बारे में। बिल्कुल। और बहुत खुशकिस्मत है आप लोग, नजम भी पुराने शहर में पैदा हुए, आप भी, मेरे ननिहाल सारे पुराने शहर में रहे बसे इतने साल। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का इतना ऑर्गेनिक लिंक है अपनी सकाफत के साथ। एब्सोल्युटली। और हमें इसको मजीद इस सकाफत को, मेरा ख्याल है कि इस हेरिटेज को हमें तो और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। और मेरे ख्याल के लाहौर डिज़र्व भी करता है। चंद एक तो ये सेंटर्स ऑफ कल्चर थे जब पाकिस्तान बना है। आप पेशावर आएँ, पेशावर से फिर सीधा लाहौर था, मुल्तान था, दिल्ली, और लाहौर से फिर सीधा आगे दिल्ली, बिल्कुल, हैदराबाद दक्कन और आगरा टू सम एक्सटेंट, लेकिन कलकत्ता था। और ये थे जो असल में मराकज़ थे जो कल्चर